केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज एक दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर रहे, जहां वो महाराष्ट्र के बीड जिले में स्थित परली बैजनाथ में आयोजित कृषि महोत्सव में शामिल हुए। चौहान ने कृषि महोत्सव में किसानों से संवाद किया। लाभार्थी किसान श्रीमती शोभा बाई हुसेकर के खेत पहुंचकर गांव के अन्य किसानों से चर्चा किया, जहां खेत पर किसान भाइयों के साथ कपास, सोयाबीन और कीटनाशक के बारे में भी संवाद किया। कृषि उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने सहित 6 प्राथमिकताओं पर किसानों से चर्चा किया। वहीं परली बैजनाथ में आयोजित कृषि महोत्सव 2024 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के लोग कहते थे कि पैसे खटाखट डालेंगे, लेकिन डाले कभी नहीं। अगर खटाखट पैसे डालने का काम कोई कर रहा है तो शिंदे जी कर रहे हैं और उनकी टीम कर रही है। कांग्रेस के लोग तो कहते थे पैसे डालेंगे, खटाखट खटाखट खटाखट, डाले कभी नहीं, लेकिन अगर खटाखट पैसे डालने का काम कर रहे हैं तो शिंदे जी आप और आपकी टीम कर रही है। और कोई एक योजना नहीं, मैं बधाई देता हूं मेरी बहनों, लाड़की बहना योजना, 1 साथ 3,000। मैं आज कहना चाहता हूं महाराष्ट्र की जनता को, ये केवल बहनों को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करने की योजना नहीं है। मैंने मध्य प्रदेश में पूछा, बहनों बताओ इस योजना से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, तो उनका जवाब था, भैया बाकी तो ठीक है लेकिन घर में ही हमारी इज्जत बढ़ गई है। अब तो सास बड़े प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, रोटी में घी लगाया कि नहीं लगाया, पैसा तो आ रहे हैं। मुझे बहनों ने यह भी कहा कि आजकल तो हमारे साहब के भी तेवर बदल गए, पहले सीधे में बात नहीं करते थे लेकिन अब बड़े प्रेम से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसे आ गए कि नहीं आए। मैं सच कहता हूं, आर्थिक सशक्तिकरण के साथ बहनों को मान और सम्मान की जिंदगी दी है, तो लिए लाड़की बहना योजना ने दिया है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, पूरी टीम को, शिंदे जी आपको, देवेंद्र।